बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे टिक्का बिरयानी, क्विक, इजी और सिंपल तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम चिकन मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बॉल ले लिया है और यहाँ पर चिकन के दो लेग पीस ले लिए हैं, जिसे अच्छे से धोकर मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप दही, 2 टेबलस्पून डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून डाल देंगे हम नींबू का रस। इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर और हल्दी। 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे हम ऑरेंज फूड कलर, ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या तो ना डालें। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। लेग पीस पे हमने अच्छे से मसाले लगा लिए हैं। अब चिकन को हम कवर कर देंगे। अब हम इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। पैन में हमने चावल उबालने के लिए पानी चढ़ा दिया है। पानी अच्छे से गर्म हो गया है, उसमें हम डाल देंगे लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा और तेजपत्ता। पानी में उबाल आ गया है, इसके अंदर हम भिगे हुए चावल डाल देंगे जो हमने आधे घंटे से भिगा रखे थे। इसे हम 70% कुक कर लें। हमने पैन में पानी गर्म कर लिया है, जिसमें हम चिकन को स्टीम करेंगे और एक छन्नी लगा ली है। स्टीमर में हम मैरिनेट किया हुआ चिकन रख देंगे। अब इसे हम ढककर मीडियम फ्लेम पर अच्छे से 12-15 मिनट पकने देंगे। ये चिकन पर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में गलेगा। चावल हमारे अच्छे 70% कुक हो चुके हैं, हम इसे छान लेंगे छन्नी में। चावलों का पानी हमने निकाल दिया है, इसे हम कर देंगे साइड। गैस पे हमने पैन चढ़ा दिया है, कोरमा बना लेंगे। इसमें डाल देंगे हम ऑयल, 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा और तेजपत्ता है। प्याज डाल के कर लेंगे फ्राई। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज कट कर लिए हैं। आप तली हुई प्याजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम प्याज को अच्छे से सौते कर लेंगे। प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई, इसके अंदर डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी अच्छे से सौते कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर, बारीक कटे टमाटर हैं, मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर कट कर लिए हैं। मसाले डाल देंगे, इसमें ले लिया हमने लाल मिर्च का पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, जीरे का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर है। और 1 टेस्पून ले लिया है हमने मसाला, बिरयानी मसाला। अच्छे से कर लेंगे मिक्स और मसालों को हम अच्छे से पका लेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले ना जले। अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसे मीडियम फ्लेम पर हम पकने देंगे 6-7 मिनट तक। अब हम इसे ढककर पकने देते हैं। आइए चेक कर लेते हैं, टमाटरों के गलने तक हमें इसे पकाना है। अभी ये और पकेंगे। मैरिनेट किया हुआ मसाला जब पक जाए तो हम इसे अंदर डालकर इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसे ढक के 4-5 मिनट और पकने देते हैं। चिकन हमारा स्टीम हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे अलग। ग्रेवी भी हमारी पक करके तैयार है, इसे थोड़ा 1 मिनट और पका लेंगे। गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। गैस पर हमने एक फ्राई पैन चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। लेग पीस को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइडों से हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2-3 मिनट तक। लेग पीस हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हम इसे साइड कर देंगे। अब हम यहाँ पर चावलों की लेयर लगा देंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे पहले, थोड़े से चावल, हरा धनिया डाल देंगे, पुदीना डाल देंगे, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। जो ग्रेवी हमने बना ली है उसे लगा देंगे इसके ऊपर। सारी ग्रेवी हमने इसके ऊपर डाल दी है, बाकी के सारे चावल हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे बाकी का कलर। केवड़ा वाटर ले लिया है, हरा धनिया डाल देंगे, पुदीना डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम लेग पीस रख देंगे। इसमें 1 कटोरी हम लगा लेंगे। 1 कोयला हमने गरम कर दिया है, उसको रख देंगे। गरम कोयले के ऊपर हम तेल या घी डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे। चावलों को हमने 4-5 मिनट पहले दम कर लिया था, नीचे से गैस ऑन है। 8-10 मिनट तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। आइए चेक कर लेते हैं। 8-10 मिनट से हमने इसे ऐसे ही छोड़ रखा था, अब हम इसे निकाल लेंगे। टिक्का बिरयानी हमारी बन करके तैयार है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। टिक्का बिरयानी हमारी बन करके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।